700 से ज्यादा शूटर्स का आका, जुर्म को खेल समझने वाला गैंगस्टर, सलाखों के पीछे से एक इशारे पर हत्या, रंगदारी और वसूली का गैंग चलाने वाला गैंगस्टर है या गुरुजी? जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लॉरेंस को उसके गुर्गे गुरुजी के नाम से बुलाते हैं। इसकी वजह क्या है, आज हम आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि लॉरेंस गैंग के अपराधी और शूटर्स क्यों, और जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का अनदेखा और अनसुना सच। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। लॉरेंस बिश्नोई जो भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसके काले साम्राज्य का जाल कई देश और देश के कई राज्यों में फैला हुआ है, जिसके गुर्गे कोने कोने में फैले हैं। और दहशत का आलम यह है कि इससे सुपरस्टार सलमान खान तक प्रभावित है। लॉरेंस गैंग अपने जुर्म की दुनिया में गुरुजी के नाम से जाना जाता है। लॉरेंस क्राइम कंपनी का हर गुर्गा और करीबी लॉरेंस को गुरुजी के नाम से ही बुलाता है। यहाँ तक कि सारे ऑपरेशन का कोड नेम भी गुरुजी होता है। लॉरेंस को यह नाम उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने दिया था। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में पकड़े गए शूटर्स और अनमोल बिश्नोई के एक ऑडियो में भी वो गुरुजी नाम ले रहा है, यानी अपने बड़े भाई कोड वर्ड नेम दिया गया है। गुरुजी का गैंग बाकी गैंगस्टर्स और दाऊद इब्राहिम की तरह ना ही शराब का सेवन करता है, ना ही अयाशी में पैसे लुटाता है। लॉरेंस की पूरी क्राइम कंपनी अपने इस गुरुजी के आदेश का पालन करती है, और खास बात यह है कि वो भी लॉरेंस की तरह ही ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। लॉरेंस के ब्रह्मचारी जीवन को उसके क्राइम कंपनी के मेंबर्स फॉलो करते हुए उसे अब गुरुजी बोलने लगे हैं। उसकी क्राइम कंपनी में ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी ना तो शादी हुई है और ना किसी की गर्लफ्रेंड है। गौर करने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी और उससे जुड़े हुए गैंग में किसी की भी गैंगस्टर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना पत्नी है और ना ही कोई लड़कियों से सीधा संबंध, क्योंकि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई खुद ब्रह्मचार्य का पालन करता है। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखता है, मांस और मदिरा से कोसों दूर है। उसका नारा है जय बलकारी, और गैंग के गैंगस्टर्स लॉरेंस को अपराध की दुनिया का गुरुजी मानते हैं। जब कभी भी कोई पोस्ट इस गैंग की तरफ से शेयर किया जाता है या फिर किसी हमले की जिम्मेदारी ली जाती है, तो उस पोस्ट की शुरुआत जय बलकारी से होती है। यही नहीं, लॉरेंस के गैंग में शामिल करीब 700 शूटर में ज्यादातर की ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही उन्होंने शादी की है। इनमें लॉरेंस और उसके भाई अनमोल के साथ कई शातिर गैंगस्टर्स शामिल हैं। खुद लॉरेंस बिश्नोई, भाई अनमोल बिश्नोई, गैंगस्टर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापर, विक्रम बड़ार, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा, इनकी ना कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई पत्नी और माशुका। इसके पीछे भी इन अपराधियों की बड़ी रणनीति रहती है, क्योंकि गर्लफ्रेंड और पत्नी के चक्कर में पकड़े जाने की आशंका बढ़ जाती है। लॉरेंस के क्राइम गैंग ने बिल्कुल एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर काम कर रही है। उसके पास लंबी चौड़ी वकीलों की फौज है जो उसके केस लड़ती है। जब लॉरेंस के वकील से लॉरेंस और उसके गैंग के ब्रह्मचार्य के बारे में सवाल किया गया, तो उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। शादी करना ना करना हर किसी की पर्सनल राइट टू लाइफ है, जैसे अपनी लाइफ चाहे जी सकता है। जहां तक बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, बिल्कुल सच है कि उसने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रहा है, ब्रह्मचार्य व्रत उसने धारण किया है, और उसके जो अलेज्ड गैंग मेंबर्स हैं उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई शादी है, ना किसी लड़की के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन है। NIA की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस के गैंग में करीब 700 शूटर हैं और अकूत पैसा है। लॉरेंस के पास संपत्तियां हैं, जमीनें हैं। गैंग उसके इशारे पर काम करता है, जिसमें हर गुर्गे का काम अलग है। इन लोगों में शूटर, लोकल गैंगस्टर, रेकी करने वाले अलग अलग हैं। अपराध का दूसरा नाम माने जाने वाला लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या करता है, उसकी दिनचर्या क्या है, इसके बारे में जब हमने उसके वकील से पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अन छोड़े हुए उसको तकरीबन 6-7 साल हो गए, आई थिंक 2018 के बाद से उसने अनाज खाना छोड़ दिया था। तो अनाज तो वो नहीं खाता है, वो दिन में सिर्फ फल फ्रूट या दूध दही जो टाइम पर उसको अवेलेबल हो जाए सिर्फ वही खाता है। लॉरेंस गैंग लड़कियों से दूरी बनाने के साथ ही मांस और मदिरा से भी दूर रहा है।
वहीं जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई दुनिया के सबसे महंगे ब्रांडों के जूते और कपड़े पहनता है। चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस लगातार अपने गैंग को बड़ा कर रहा है। वो अपना साम्राज्य दाऊद की तरह बढ़ा रहा है। इसके लिए उसके गैंगस्टर्स खुलेआम हत्या, वसूली और धमकी देने का काम कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग वसूली और रंगदारी से मिले पैसों का इस्तेमाल टारगेट ऑपरेशन में वाहन, खान पान, रेकी में खर्च करता है। गैंग के गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई समेत कई गैंगस्टर जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जेल से ही वारदात को अंजाम दिलवा रखे हैं। ब्यूरो